Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Dubey College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic, that is cognitive and socio-cultural learning theory. देखिए हम लोगों ने पियाजे के बारे में पढ़ा है, ब्रूनर के बारे में पढ़ा है, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा है, लेकिन अगर हमसे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में पूछे या सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी के बारे में पूछे तो आप आई थिंक आपको लगेगा कि इसमें क्या लिखना है ना? तो ये जानने की कोशिश करते हैं. तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ओहो ये ज्यादा साफ दिख नहीं रहा जो मैंने इसको विलियम जेम्स को येलो कर दिया, कोई बात नहीं. तो जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और बहुत सारे बहुत मतलब एक शिफ्ट की तरीके से हम कॉग्निटिविज्म में पहुंचे हैं. और सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी के तो मेनली एक ही प्रोपेगेटर हैं जो कि वाइगोत्स्की है. तो अगर डेफिनेशन और कंसेप्ट की बात देखें कॉग्निटिव लर्निंग का, तो हम पाए कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है ना. तो ये कहा जाएगा कि दे हेल्ड अ यूनिक प्लेस इन हिस्ट्री, दे एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ द माइंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस. यानी कि माइंड की डेप्थ्स में से प्रोसेसेस, उनके माइंड की प्रोसेसेस क्या है, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या है, इनको एक्सप्लोर करने की कहानी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बताता है. एट साइकोलॉजी मैच्योर्ड प्रैक्टिशनर्स लाइक विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी, इसको मुझे कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहिए था, इसमें ढंग से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी लिखा है ना. तो एट साइकोलॉजी मैच्योर, जैसे जैसे साइकोलॉजी का उद्भव हुआ, जो विलियम जेम्स और जॉन डीवी आए, इसमें उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट किया, बिलीविंग इट इज टू बी टू नैरो टू अंडरस्टैंड द माइंड. देखिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो पुराना, सबसे पुरानी फिलॉसफी साइकोलॉजी की, सबसे पुराना एक थॉट है, थॉट प्रोसेसेस है साइकोलॉजी का, जिसमें कहा गया जब विलहेम वुंड ने पहली लेबोरेटरी बनाई थी 1879 में, तब उन्होंने स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की थी माइंड की. तो कहा गया कि उसको टुकड़ों में तोड़ के, तो ये हुआ कि नहीं, इससे आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे. तो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद फंक्शनलिज्म आता है, फंक्शनलिज्म के बाद बिहेवियरिज्म आता है, बिहेवियरिज्म के बाद जेस्टाल्ट थ्योरी आती है, फिर धीरे धीरे टॉलमैन लिविन करते करते हम पहुंचते हैं कॉग्निटिविज्म तक. तो ये पूरा पूरा मैं आपको इसमें बताऊंगी. तो डेफिनेशन क्या है, द डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी इन्वॉल्व द इंटर action between mental components and the information that is processed through this complex network. Neisser 1967 में कह रहे हैं कि cognitive theory में जो सबसे मुख्य पक्ष होता है वो ये होता है कि हमें पता चले कि जो हमारी mental components हैं और जो information है वो कैसे processed हो रही है, कैसे mental components information को process करते हैं through this complex network, मतलब जो ये एक जटिल तंत्र बन जाता है उसके द्वारा. और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो कॉग्निटिव थ्योरिस्ट बिलीव दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ इवेंट्स इनटू एन एक्टिव स्टोरेज सिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स टर्म्स स्कीमेटा, जिसको पियाजे स्कीमा भी कहते हैं. वो कह रहे हैं कि जो लर्निंग है, कॉग्निटिव थ्योरी क्या बिलीव करती है, वो ये विश्वास करती है कि कैसे सीखता है आदमी, इंटीग्रेशन ऑफ इवेंट्स, जो जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं वो जुड़ती जाती हैं और एक एक्टिव स्टोरेज सिस्टम हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, जिसको कि स्कीमेटा का नाम दिया गया. स्कीमेटा क्या करता है, सर्व अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन ह्यूमन कॉग्निशन, मनुष्य के संज्ञान में स्कीमेटा बहुत सारे काम करता है, जैसे इन एडिशन टू स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज तो करता ही है इन्फॉर्मेशन की, इसके अलावा दे फॉर्मुलेट फ्रेमवर्क्स इनटू व्हिच न्यू इन्फॉर्मेशन मस्ट फिट इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड. पहले से स्कीमेटा बना हुआ है, फिर आप कुछ और ग्रहण करेंगे तो वो उसमें फिट इन होने की कोशिश करता है, जिसकी बात बाद में पियाजे करते हैं. दे फर्दर मोर स्कीमेटा रेगुलेट अटेंशन, ऑर्गेनाइज सर्चेज ऑफ द एनवायरमेंट एंड फिल इन द गैप्स ड्यूरिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. दस द माइंड यूजेस स्कीमेटा टू सेलेक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड process all the information individuals receive from the world. यानी कि संसार में हम जितनी भी सूचनाएं हमको मिल रही हैं, स्कीमेटा का काम है उनको selectively organize करना और process करना. Cognitive learning emphasizes the internal mental processes of association. मतलब कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे mind में, वैसे brain की functioning को mind कहा जाता है, लेकिन कई बार हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं इसको. जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है उनमें एसोसिएशन होता है, उनमें जुड़ाव होता है, लेकिन ये वो एसोसिएशन नहीं है जो बिहेवियरिस्ट एस आर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं. दिस कॉन्सेप्ट डिफर्स फ्रॉम द बिहेवियरल व्यू ऑफ एसोसिएशन व्हिच इज बेस्ड अपॉन एक्सटर्नल मोटिवेशन. क्योंकि पूरी बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या है कि आप री इन्फोर्स कीजिए तो व्यक्ति कुछ करेगा. एज बेल ग्रिडलर स्टेट्स, सक्सेसफुल लर्निंग डिपेंड्स ऑन द लर्नर्स एक्शंस रादर देन ऑन इवेंट्स इन द एनवायरमेंट. बेल ग्रिडलर ने भी कहा कि जो आप अच्छी तरीके से सीखते हैं, सक्सेसफुल लर्निंग
है वो इस बात पर निर्भर करती है, लर्नर्स एक्शंस पे निर्भर करती है, मान सीखने वाले के काम पे निर्भर करती है, ना कि उसके एनवायरमेंट में क्या घटित हो रहा है उस पर। ठीक है, फिर फिलोसफी और अगर हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस की बात करें कि कॉग्निटिव थ्योरी के कौन कौन से फिलोसफी से ये इमर्ज हुई है, तो द रूट्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड टू सिस्टम्स ऑफ एंशियंट फिलोसफी, यानी कि बहुत पुरानी फिलोसफी से इसका इसके हमको जड़ें मिलती हैं, आप वहां तक इसको ट्रेस कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि प्लेटोज आइडियलिज्म, जब प्लेटो की आदर्शवाद की बात होती है तो आदर्शवाद क्या कहता है कि एवरीथिंग आइडिया ही मेन है, तो आइडिया आएगा कहां, माइंड में आएगा। प्लेटोज आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट रियलिटी ओनली कंसिस्ट ऑफ स्पिरिट एंड माइंड, प्लेटोज आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट रियलिटी ओनली कंसिस्ट ऑफ स्पिरिट एंड माइंड। Plato believed that one should constantly exercise the mind by studying mathematics and the classics. 1 minute, please. एक बहुत important call है. तो प्लेटो बिलीव दैट वन शुड कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज द माइंड बाय स्टडीइंग मैथमेटिक्स एंड द क्लासिक्स। प्लेटो ने ये विश्वास दिखाया कि हमको माइंड की एक्सरसाइज लगातार करनी चाहिए, जिससे कि कैसे करनी चाहिए, मैथमेटिक्स और क्लासिक्स का अध्ययन करके। आइडियलिज्म होल्ड्स दैट ऑल नॉलेज इज इननेट, idealism holds that all knowledge is innate, thus introspection is the only method of discovering truth. Idealism ने कहा कि सारी जो ज्ञान है वो innate है और हम सिर्फ introspection करके अंतर दर्शन करके उस ट्रूथ को निकाल सकते हैं, है ना। Descartes and his 17th century philosophy of rationalism would build on Plato's concept of innate knowledge. और Descartes बाद में आते हैं, उनका उनकी philosophy rationalism है, वो भी Plato की innate knowledge के concept पे ही based है। Descartes क्या कहते हैं, I think therefore I am, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यहाँ भी सोचने, विचारने और मस्तिष्क की प्रक्रियाओं पर बल है। Demonstrates the emphasis on logical thought and deduction. कंसेप्ट तो कौन कौन से कंसेप्ट आए, इंट्रोस्पेक्शन आया, डिडक्शन आया और इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस आए, दोनों फिलोसफीज में, आइडियलिज्म में और रैशनलिज्म में, वुड लेटर इन्फ्लुएंस द थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसने बाद में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसके डेवलपमेंट, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट को प्रभावित किया। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस की, यानी कि विलहेम वुंड, द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वॉज द फर्स्ट टू रिसर्च द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन मेंटल प्रोसेसिंग, दो नॉट कंसिडर्ड अ कॉग्निटिव थियरिस्ट। I'm so sorry. It is a very important conversation which I have to join. So, विल्हेम वुंड, देखिए विल्हेम वुंड से शुरुआत होती है स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म जिसकी मैंने आपसे बात की, स्ट्रक्चरलिज्म क्या कह रही थी, वाज द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वाज द फर्स्ट टू रिसर्च द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन मेंटल प्रोसेसिंग, यानी ये पहले थे जिन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पे रिसर्च की, वो और मेंटल प्रोसेसिंग में क्या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है इसका अध्ययन करने का प्रयास किया। दो नॉट कंसिडर्ड ए कॉग्निटिव थियरिस्ट, वुंड ह्यूमन एक्सपीरियंस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ मेजरेबल मेंटल फंक्शन such as awareness, reaction and perception. उस वक्त जब साइकोलॉजी का कहीं कोई मतलब बेस नहीं है, तब वुंड साहब ये अवेयरनेस, रिएक्शन, परसेप्शन इनकी स्टडी करने का कोशिश कर रहे थे। As psychology began to emerge as an independent science, several Americans rejected structuralism. लेकिन बाद में structuralism reject कर दिया गया, और कौन आते हैं सीन में, ओह डीवी का डी स्मॉल रह गया, कैपिटल होना चाहिए था, तो विलियम जेम्स और जॉन डीवी आए। इन्होंने कहा कि वुंड्स का जो मेथोडिकल एनालिसिस और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव एलिमेंट्स वाज टू नैरो, मतलब उस वक्त उतना ज्ञान नहीं था, उतना साइंस नहीं विकसित थी, साइकोलॉजी के बारे में कोई इतना जानता नहीं था, तो डीवी लाए अपना फंक्शनलिज्म। उन्होंने कहा वुड इमर्ज एज द सेकंड प्रोमिनेंट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, द एम्फेसिस ऑन टोटल प्रोसेस एज रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटी वुड लेटर बिकम अ की कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, है ना, कि मतलब इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर को छोड़ते फंक्शन पर ध्यान देते, प्रकार्यात्मक जिसको कहा गया। फिर बाद में जॉन वॉटसन
इमर्जेज सेकेंड प्रोमिनेंट थियरी, पहली स्ट्रक्चरलिज्म है, दूसरी फंक्शनलिज्म है. द इम्फेसिस ऑन टोटल प्रोसेस इज रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटी वुड लेटर बिकम ए की कॉम्पोनेंट. ये नहीं कि ये जो बात कर रहे हैं मेंटल, इन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे थे, स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, उनको मेंटल फंक्शन में तोड़ के देखें कौन सा स्ट्रक्चर किसके लिए जिम्मेदार है. इन्होंने कहा स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि ब्रेन की स्ट्रक्चर उस वक्त किसी को ज्यादा ढंग से नहीं पता थी. तो कहा कि आप मेंटल एक्टिविटी का अध्ययन कीजिए, फंक्शन उसका अध्ययन कीजिए. तो यही चीज बाद में कॉग्निटिव साइकोलॉजी का की कॉम्पोनेंट बनती है. और फिर जॉन वॉटसन का बिहेवियरिज्म आता है. फिर गेस्टाल्टिस्ट आते हैं, या गेस्टाल्टिस्ट आप बोलिए, बिलीव दैट वंस एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड बाय रिड्यूसिंग देम टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स और स्टिमुलाई, इंस्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिफाइड होल आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट. गेस्टाल्टिस्ट ने ये बिलीव किया और कहा वंस एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड बाई रिड्यूसिंग देम टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ स्टिमुलाई. ये कह रहे हैं, ये विश्वास रखते थे गेस्टाल्टिस्ट कि हम किसी के अनुभव को स्पेसिफिक एलिमेंट और स्टिमुलाई में तोड़कर नहीं समझ सकते. इंस्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिफाइड होल आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे कहते हैं ना कि गेस्टाल्टिस्ट कहते हैं ना कि होल इट्स मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स. तो इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच पे बल दिया है. और इनके बहुत सारे लॉ है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, उसी में से एक लॉ ऑफ प्रेगनेंस भी है. वो कहता है कि साइकोलॉजिकल इवेंट टेंड्स टू बी मीनिंगफुल एंड कंप्लीट. जैसे ही वो मीनिंगफुल कह रहा है, वैसे ही किसकी बात आ रही है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात आ रही है, इन कंपेरिजन टू रोट लर्निंग. यानी कि यहाँ फिर क्या आ रही है, माइंड की एक्टिविटी की बात आ रही है. दस इंडिविजुअल्स perceptually fill in any gaps within their figures. According to Gestalt theory, stimuli only have meaning as they are cognitively organized by the person. वो कह रहे हैं कि किसी भी stimulus का, उद्दीपक का तभी अर्थ है जब वो व्यक्ति के द्वारा संज्ञानात्मक रूप से organize किया जाए, है ना. कहते हैं ना कि आप देख रहे हैं वो लॉ, वो एक जैसी चीजें हम एक तरह से organize. Perception कैसा है, perception पे बल है Gestalt में. Gestalt theory was the true beginning of cognitive psychology. और एक तरह से आप कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का शुरुआत जो हो रही है वो Gestalt theory से हो रही है. इसके बाद कौन आ रहे हैं, ड्यूरिंग द 1930s एडवर्ड टॉलमैन आ रहे हैं. इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया, परपजिव बिहेवियरिज्म. टॉलमैन को कहा जाता है कि ये बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट को के बीच में की कड़ी है. मतलब बात तो बिहेवियर की कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं बिहेवियर ऐसे ही नहीं है, पर्पसफुल. इसीलिए गोल डायरेक्टेड लर्निंग, गोल ओरिएंटेड. जैसे कि आप गोल की बात करेंगे वैसे ही मेंटल प्रोसेसेस आएंगी. तो एडवर्ड टॉलमैन कॉम्प्लीमेंटेड द गेस्टाल्ट व्यू पॉइंट विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पसिव बिहेवियरिज्म. अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, इंडिविजुअल्स लर्न स्पेसिफिक इवेंट्स दैट रिजल्ट इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर गोल्स. दस इन दिस सिस्टम ऑल बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड. इन्होंने कहा कि सारा व्यवहार जो होता है लक्ष्य केंद्रित होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है. और गेस्टाल्टिस्ट ने कहा होलिस्टिक एम्फेसिस ऑन परसेप्शन फील्ड्स एंड इनसाइट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर ए नंबर ऑफ कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग स्कीमेटा. ये भी स्कीमेटा की बात कर रहे हैं. फिर टॉलमैन ने जब रैट पे मेज लर्निंग का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें उन्होंने क्या पाया था, जो वो लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट देते हैं. तो लेटेंट लर्निंग क्या करती है, सेपरेट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम परफॉर्मेंस. देखिए आपको ये पूरी पिछली लर्निंग थ्योरीज याद होंगी तभी आप समझ पाएंगे. तो लेटेंट लर्निंग वाले कंसेप्ट में क्या था कि जब वो वाले रैट को उस जहां रास्ते पे उसको बाहर निकलने में रीइंफोर्समेंट नहीं भी मिल रहा था, वो भी सही रास्ता ढूंढ लेता है बाहर निकलने का. तो वो कह रहे हैं कि हमेशा जो है लर्निंग वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होती. मतलब लर्निंग सेपरेट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम परफॉर्मेंस. हमेशा जरूरी नहीं है कि आप रीइंफोर्समेंट दें तभी व्यक्ति सीखेगा. टॉलमैन्स व्यू शार्पली कंट्रास्ट बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज डायरेक्टली लिंक स्टिमुलस विद रिस्पॉन्स. तो टॉलमैन के व्यू ने इस तरह से बिहेवियर लर्निंग को कंट्रास्ट किया, उसका विरोध किया, जो कि स्टिमुलस को हमेशा रिस्पॉन्स से जोड़ती है. फिर कर्ट लीविन आते हैं. कर्ट लीविन की कौन सी है, फील्ड थ्योरी है. टुक अ, जिसमें वो लर्निंग स्पेस की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल फील्ड की बात करते हैं. टुक अ समवॉट डिफरेंट अप्रोच टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी बाय फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग. ये मोटिवेशन को ले आए हैं कर्ट लीविन साहब. अकॉर्डिंग टू हिम वन लर्न्स ओनली व्हेन स्पेसिफिकली इंटेंड्स टू डू सो. ये कह रहे हैं कि कोई तभी सीखता है जब वो विशिष्ट रूप से वो सीखना चाहता है, वो करना चाहता है. His concepts of motivation and psychological forces formed a foundation upon which other theorists would later build. इनका जो motivation और psychological forces का concept था उस पे और मनोवैज्ञानिकों ने बाद में काम किया. और बर्नार्ड वीनर अपना इन्फ्लुएंशियल एट्रीब्यूशन थ्योरी का कंसेप्ट देते हैं. लीविन के कॉग्निटिव मोटिवेशन पे ही बेस्ड है इनका कंसेप्ट. और ये कहते हैं कि सक्सेस एंड फेलियर एज रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर. यानी कि व्यक्ति की सफलता और जो उसका फेलियर है, असफलता है, वो सामाजिक व्यवहार से संबंधित है.
कौन आते हैं? फ्रेडरिक सी बार्टेल बार्टलेट ड्रामेटिकली इंपैक्टेड कॉग्निटिव साइकोलॉजी बाय इंट्रोड्यूसिंग द कांसेप्ट ऑफ स्कीमेटा. फिर से स्कीमेटा की बात हो रही है. हिज फाइंडिंग्स हेल्प्ड टू डेवलप एंड अंडरगर्ड द की कॉग्निटिव कांसेप्ट्स ऑफ परसेप्शन एंड मेंटल प्रोसेसिंग. परसेप्शन और मेंटल प्रोसेसिंग पे ये बात करते हैं. फिर आ जाते हैं जियां पियाजे जो हमारे की कॉन्ट्रीब्यूटर है साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, जिन्होंने कॉग्निटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया. फॉर पियाजे नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू अ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल structures, cognitive process and the environment. यानी हमारा internal structure क्या है, हमारी cognitive processes क्या हो रही हैं और environment के साथ काम चल रहा है. During this growth of intellect, one formulated new mental structure similar to schemata. देखिए इसमें assimilation, accommodation और equilibration की फिर से बात आ रही है. जब हमारा नया ज्ञान पहले ज्ञान से similar है, मिल रहा है, तो हम चीजों को assimilate करते हैं. जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान से कहीं कुछ डिसिमिलर है तो हम उसको एकोमोडेट करके फिट इन करते हैं, तो वो एकोमोडेशन होता है. और इन दोनों प्रोसेस को मिला के इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए. ठीक है, आसान, जल्दी, क्योंकि थोड़ा लेंदी है ये. फिर ब्रूनर आते हैं. ब्रूनर भी पियाजे की फाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं और इन्होंने हमको कहा कि हमारे पास भी स्टेजेस हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक. और आपको पता है कि लेकिन इन्होंने कहा कि ये हायरार्की नहीं है, बल्कि जब तीनों पर मास्टरी हो जाती है व्यक्ति की, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका हो जाता है. ब्रूनर्स एम्फेसिस ऑन सिम्बॉलिक सिस्टम्स एंड लैंग्वेज बिकेम की कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. और अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में देखिए लैंग्वेज का रोल आ रहा है. और आ गए हमारे लिंग्विस्टिक, नोम चोम्स्की, जो कि लिंग्विस्टिक है. वर द अल्टीमेट रिप्रेजेंट of cognitive process in his studies, Chomsky analyzed factors that were responsible for the generation and comprehension of language. और यहाँ से समझ में आई ये बात कि भाषा का विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. Chomsky's work benefited verbal network models that are based on the concept of a verbal storage system within cognition. और perhaps फिर उसके बाद में perhaps the most important contribution to cognitive psychology involved the emergence of the computer in the 1950s. Computers आ जा रहे हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि human cognition के analogous हैं computer, मतलब उसी की तरह से storage, retrieval, manipulation और problem solving कर सकते हैं. Donald Broadbent was one of the first proponents to regard human memory as a type of processor. फिर आपके आ रहे हैं Ulrich Neisser, जिनकी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इंपैक्टेड द फील्ड विद दिस फॉर्मल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. और इसके बाद से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को मुख्य रूप से स्वीकारा जाने लगा. इन्होंने किस पे बात की, इन्होंने स्टोरेज और रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन पे बात की है. फिर आ रहे हैं आपके एलन न्यूएल एंड हर्बर्ट साइमन, ये पहले थे जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस को डायरेक्टली कंप्यूटर ऑपरेशन के से जोड़ा. तो इस तरह से करते करते कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रक्चरलिज्म से कहां से आज कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तक आई है. तो ये पूरा विकास का क्रम कॉग्निटिव लर्निंग. तो आप मेंटल प्रोसेस, परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डिडक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब की बात होगी तो कॉग्निटिविस्ट आएंगे. और किस तरह से ये बिहेवियरिज्म के कंट्रास्ट है आपको समझना चाहिए. तो कॉग्निटिव लर्निंग थियरीज होल्ड अ यूनिक प्लेस इन हिस्ट्री. दे एक्सप्लोर द कैप्टिवेटिंग डेप्थ्स ऑफ द माइंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोसेस, है ना, ये हमने पहले ही बताया. अकॉर्डिंग टू दीज थियरीज वंस एबिलिटी टू लर्न स्टेम्स फ्रॉम द वे वन परसीव्स, ऑर्गेनाइजेस, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन. और किसी के सीखने की जो योग्यता है वो इस पर निर्भर करती है कि वो कैसे सूचना को परसीव करता है, उसको संगठित करता है, उसका एकत्रीकरण करता है और उसको रिट्रीव करता है, रिकॉल करता है ना. क्योंकि सोशियो कल्चरल थियरी में थोड़ा कम है इसलिए वो भी स्लाइड मैंने इसी में मिला दी है. और बीच में दो छोटे छोटे डिस्टर्बेंस हो गए सो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो. तो सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सप्लोर्स द इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड हैज ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट. ये संसार का क्या इफेक्ट आ रहा है इंडिविजुअल के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे. संसार का मतलब उसका पीयर ग्रुप, उसका एनवायरमेंट, उसकी सोसाइटी, इस पर बल देता है. इट असर्ट्स दैट लर्निंग इज ए मोस्टली सोशल प्रोसेस वेयर बाय डेवलपमेंट अकर्स थ्रू इंटरेक्शंस विद पीपल हु पजेस मोर नॉलेज और स्किल देन द लर्नर. क्योंकि MKO की बात करते हैं ना, मोर नॉलेजेबल अदर, ये कह रहे हैं कि जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है. और विकास कैसे हो रहा है, उन लोगों के इंटरेक्शन के साथ हो रहा है जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, हमसे ज्यादा कौशल रखते हैं. साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की एस्टैब्लिश्ड दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग बिलीविंग दैट पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, केयर गिवर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. लर्निंग एट इट्स रूट इन्वॉल्व्स इंटरेक्टिंग विद अदर्स अराउंड यू. कह रहे हैं कैसे हम सीखते हैं, जब हम दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब हम सीखते हैं.
माई गॉड्स ने कहा, चूंकि सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस कर रही है इसलिए कल्चरल फेनोमेना है. हर सोसाइटी में, हर कल्चर में लर्निंग अलग होगी, विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एम्ब्रेसिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग. और माई गॉड्स ने कहा कि लर्निंग जो प्रोसेस है वो ज्ञान, विश्वास और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज को एक्वायर करने की क्रिया है थ्रू इंटरेक्शन विद व्हाट ही टर्म्ड मोर नॉलेजेबल अदर्स. और इन्होंने कहा कि इट इज थ्रू अवर इंटरेक्शन विद अदर्स दैट वी मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी एनकाउंटर. जो ये इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो ये हमको सिखाते हैं कि उस सूचना से हमको क्या अर्थ निकालना है. इट इज एन इनहेरेंटली सोशल प्रोसेस, वन इन विच वी डिपेंड ऑन अदर्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. सोशल लर्निंग दस प्रोसीड्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड इज यूनिक टू द इंडिविजुअल. और एक खास बात इन्होंने कहा कि वाइगोट्स्की ने बिलीव करते थे कि लर्निंग दो लेवल पे होती है. फर्स्ट थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, एक हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तब सीखते हैं, एंड देन इंटीग्रेटेड टू द इंडिविजुअल्स मेंटल स्ट्रक्चर. मतलब पहले हम दूसरे से बातचीत करके सीखे, फिर हमने उसको इम्ब्रेस भी करते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, ग्रेस्प भी करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने मेंटल स्ट्रक्चर के साथ, और तब सीखते हैं, है ना. एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस. हर फंक्शन जो है दो बार होता है. फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल, पहले सामाजिक स्तर पर, और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर. फर्स्ट बिटवीन पीपल एंड देन इनसाइड द चाइल्ड, या इनसाइड द इंडिविजुअल. दिस अप्लाइज इक्वली टू वॉलंटरी अटेंशन, टू लॉजिकल मेमोरी एंड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ऑल द हायर फंक्शंस ओरिजिनेट एज एक्चुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स. तो हर हायर फंक्शन शुरू कहाँ से होगा? इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप से, फिर आप उसको इंटरनली इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी. देखिए हम क्योंकि जब एज एन इंडिविजुअल हम लोग अपना सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं अपने टॉपिक्स, तो हमने पियाजे पढ़ लिया, हमने ब्रूनर पढ़ लिया, लेकिन हमसे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में पूछा जाए तो हमको थोड़ा मुश्किल होगा बताना. सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी वाइगॉट्स की लिख लेंगे, सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी लिखने में शायद दिक्कत हो, तो उस मदद के लिए आई हैव डन दिस जॉब. ओके, सो थैंक यू. And don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.